जय हिंद क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। इसके लिए थिन स्फेरिकल सेल, तो पहले इनसाइड जो इनसाइड वाला सेल है उस पर प्लस क्यू चार्ज दिया, आउट वाले को अर्थ से कनेक्ट कराया, किससे कनेक्ट कराया, अर्थ से, और उस पर कितना चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज। कैसा दिया, माइनस क्यू चार्ज। इनसाइड के रेडियस स्मॉल आर, आउटसाइड के रेडियस डबल आर। सबसे पहले हम लोगों हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है आउटसाइड ऑफ द सेल। इस पे फर्स्ट रीजन करेंगे आउटसाइड ऑफ द सेल। क्या आउटसाइड ऑफ द सेल क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो वी नो दैट इक्वल क्या होता है, Q upon epsilon naught, equation first, ठीक है ना। और what is phi equal क्या, phi is equal to Q upon epsilon naught, phi equal होता है Q upon epsilon naught, क्या होता है, phi equal होता है Q upon epsilon naught। और second equation क्या, integral factor surface EDS, क्या होता है EDS, cos theta, या cos theta कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा, तो फाइव कल कितना जाएगा, यस ई डी एस, और का जीरो वैल्यू वन छोड़ दिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है कल का है, इसका डी एस का इंटीग्रेशन कर देते हैं और इंटीग्रेशन कर दिया, ई का तो होगा नहीं, डी एस का कितना है, 4 pi आर स्क्वायर, कौन सा कैपिटल आर स्क्वायर। हम लोग बड़े वाले गोला, बड़ा वाला सेल है उसके लिए कैपिटल आर लिए, और कैपिटल आर लिए हैं तो क्या है, 4 pi आर स्क्वायर, क्या आएगा, 4 pi आर स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, और हम लोगों ने क्या किया, इसे सेकेंड हटा देते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड में देखिए इसमें भी फाई है, इसमें फाई है, इक्वल कराया, तो जब इक्वल कराएंगे तो व्हाट इज ई इंटू 4 pi आर स्क्वायर इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ई इक्वल कितना आएगा, 1 upon 4 pi आर स्क्वायर होगा, कितने पहले के लिए इससे साइन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है ना, कैपिटल आर स्क्वायर। आउटर रेडियस क्या ली, कैपिटल आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है आउटर रेडियस की, इक्वल 1 upon 4 pi 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना, आउटर सेल पे फाइंड किया, ये प्रॉब्लम, ये रीजन फर्स्ट के लिए, इसके लिए रीजन फर्स्ट के लिए, ये शायद आप पढ़ चुके थे नेक्स्ट वन पे, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एट द सरफेस। अब देखिए बच्चा, हम लोग सेकेंड रीजन पे फाइंड करेंगे एट द अर्थ सरफेस, किस पे, एट द अर्थ सरफेस पे। तो सेकेंड रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सबसे पहले फाई लिया, फाई कल क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाई, ठीक है ना, फाई कल तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड लिया फाई ई टू ई इंटू डी एस, यहाँ पर एंगल क्या, कास 0 डिग्री, कितना कास 0 डिग्री, जब पूरे में लगा दे रहे हैं, चलो भाई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, इंटीग्रल फैक्टर ई डी एस, ठीक है ना, कास 0 पहले ऊपर फाइव पर, इस पर एट द सरफेस, किस पर निकालना है, एट द सरफेस में, तो ई और डी एस पहले कितना 4 pi, यहाँ पर भी क्या रहेगा, कैपिटल आर स्क्वायर, क्या रहेगा, सेम रहेगा बच्चा, सेम आएगा, ठीक है ना। देखो तो ये क्या आएगा, इन दोनों को जब इक्वल कराया फर्स्ट सेकेंड को, तो ई इक्वल कितना आएगा, हम लोग कर सकते तो ज़्यादा लिखेंगे नहीं, 1 upon 4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, स्पीड से नोट करिएगा, कैपिटल आर स्क्वायर। देखिए बच्चा, आप बात करें एट द सेंटर या इनसाइड द सेल, किसके इनसाइड द सेल, इनसाइड सेल पे लेंगे, इनसाइड द सेल जीरो क्या होता है, फाई इक्वल टू 1 upon epsilon naught into Q, और इनसाइड सेल में
क्यू जीरो होता है, क्या जीरो होता है, क्यू वन अपान एप्सिलॉन नॉट क्यू जीरो, तो फाई क्या जाएगा जीरो। जब फाई जीरो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी जीरो, क्या होगी जीरो। दैट्स क्लियर, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस। देखो एक दो प्लेटें, कितनी प्लेटें ली दो, एक पर प्लस क्यू चार्ज दिया और एक पर माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज दिया। ये जो माइनस के प्लस के साथ शो कर रहे हैं ये बाहर तो नहीं करेंगे, प्लेट के इस साइड शो करते हैं, ठीक है ना। अब इसे प्लेट ए से पोच किया और इसे प्लेट बी से पोच किया, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होंगे, कहाँ जाएंगे माइनस की हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डायरेक्शन प्लस से माइनस की। और जब मूव करेंगे ये रुके हुए चार्ज नहीं है, ये मूव करेंगे और मोशन में क्या क्रिएट होता है एक्सीलरेशन। देखो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं भैया, एनर्जी तभी आएगी जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे होंगे रिवॉल्व कर रहे होंगे। यदि चार्ज रुका हुआ होगा स्टॉपिंग होगा तो जैसे एक चार्ज जा रहा तो एक यहाँ लगा दो, अपनी गर्दन उठा दो, गर्दन क्या होगा कुछ नहीं होगा, कुछ होगा एक यहाँ, एक यहाँ लाइन जा रही है, एक यहाँ लाइन जा रही है। अब ये चार्ज क्या उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा होगा, जब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा होगा तो चार्ज क्या रुका होगा, जब चार्ज रुका होगा अपने गर्दन बीच बता दो हिलाते रहो कुछ नहीं होगा, करंट मारेगा नहीं मारेगा। जब कभी लाइट बनाने वाला होता है तो कहते हैं सारे इंस्ट्रूमेंट बंद कर दो, इसके बाद वो टच करता है, अगर इंस्ट्रूमेंट चल रहा होगा तो चल रहा होगा, जिससे टच करोगे तो करेंट यहाँ पास होगा ऐसे, और एक सेकेंड में कितना करेंट पास होता है 6.28 × 10⁻¹⁹ कूलम, कितना 6.28 × 10⁻¹⁹ कूलम एक सेकेंड में इतना चार्ज पास होता है, ठीक है ना, ये भूलिएगा नहीं बच्चा। अब ध्यान दीजिएगा जब ये एक्सीलरेट कर रहा है, अब एक्सीलरेशन के कारण क्या उत्पन्न होता है पोटेंशियल, क्या पोटेंशियल। अब पोटेंशियल जब एक्सीलरेट कर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ए पे अलग होगा बी पे अलग होगा, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ए बी, क्या बोलेंगे ए बी। और ए बी कल क्या होता है डब्ल्यू अपान क्यू, क्या होता है डब्ल्यू अपान क्यू, क्यू नॉट भी लिखते थे डब्ल्यू अपान क्यू, ठीक है ना। या आप लोग लिख लें डब्ल्यू इक्वल टू कितना जाएगा बच्चा बी क्यू, क्या लिख देंगे बी क्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या लिख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें निकालना है क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी निकालना, क्या निकालना काइनेटिक एनर्जी, क्यों क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड है, और एक्सेलरेटेड कब होगा जब उसमें मोशन होगा, क्या होगा चार्ज में क्या होगा मोशन होगा, और मोशन होगा तो अपने पास एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, और क्या होती है हाफ एम बी स्क्वायर। यहाँ पर ये बी पोटेंशियल है और ये बी क्या है वेलोसिटी है, क्या है वेलोसिटी। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। जब ये सेकेंड इक्वेशन हो गया हमारे पास तो के इक्वल क्या जाएगा के इक्वल क्यू बी, क्या आएगा के इक्वल क्यू बी, ठीक है ना के इक्वल क्यू बी। और के इक्वल क्या होता है एनी, क्या होता है एनी। अगर एक इलेक्ट्रॉन है यदि वन इलेक्ट्रॉन है तो क्या जाएगा ई, तो तभी लोग लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, क्या लिखते हैं आप आगे मिलेगा पढ़ने पर ई बी, क्या पढ़ेंगे ई बी, क्या पढ़ते हैं ई बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वन ई बी की वैल्यू कितनी होती है, यदि वन ई बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये 1 ईवी की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, क्या एनर्जी है ना बच्चा जूल, कितना जाएगा जूल। बस भाई तो नोट कर लीजिए इसको, इतना फिर आगे बढ़ते हैं। तुम्हें सुनवा के तो बात चाहिए, हाँ तो चाहिए, देखिएगा बच्चा पूछ रहा है ये डब्ल्यू क्यू में कैसे आ गया, कि डब्ल्यू की एनर्जी होती है और एनर्जी को चाहे काइनेटिक एनर्जी पे पोटेंशियल एनर्जी को, तो ये जो वर्क था काइनेटिक एनर्जी पे कन्वर्ट हो गया, इसमें काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है ना, तो ई बी इलेक्ट्रिक वोल्ट, ठीक है ना,
क्यूबिकल का आया एन डी। अब बात समझ आ गई। चलिए अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देख पूछ रहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, क्योंकि ये आपने पढ़ा था कोई चार्ज क्यों रखा था, कितना चार्ज रखा था? प्लस क्यू चार्ज रखा था, कितना रखा था? और टेस्ट क्या कर रहे थे हम लोग इसको इनफाइनाइट पे, और इनफाइनाइट हमने क्या बताया कि जो हमारे रेंज के बाहर वो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, जाता है। अब जैसे आपके पास 20 रुपया नहीं है मेटल सफ़र करने के लिए, ठीक है ना, 15 रुपये पड़े थे हमने, तो इसका मतलब ये है कि आप पैदल भी जा सकते हो, ठीक है ना, लेकिन आप जाना चाहते हो मेट्रो से जाएंगे और मेट्रो वाला 30 रुपये किराया लेगा, जब मेट्रो वाला 30 रुपये किराया लेगा 15 रुपये में नहीं ले जाएगा, लेकिन टेम्पो से ले जाऊंगा रेंज में, ठीक है ना, जाना तो वहीं पे है। तो ये रेंज की बात होती है, रेंज का मतलब बहुत दूर नहीं है। अब 15 रुपये की 30 रुपये के लिए बहुत बड़ी रकम नहीं है, ठीक है ना। अब अगर किसी कोई पर्स भूल जाए और वो कहीं जा रहा हो, कह रहे कि हम बहुत बड़े पैसे वाले हैं, और पैसे वाले तो तू जब बोला कि भाई पैसा दो, पैसे वाले से क्या मतलब, और रेंज जिस टाइम होना चाहिए, ठीक है ना, पहुँचने की क्षमता। अब दिल्ली जाना है, कह दे पैदल जा बच्चा, तो बेहोश होकर पहले गिर पड़ोगे पापा क्या क्या रहे हो, ठीक है ना। आज के ज़माने में दिल्ली पैदल, ठीक है ना, तो बहुत दूर है। और कभी प्लेन जाना है तो पापा वही खाना खाएंगे, वही मौज करेंगे जाकर, ठीक है ना, यहाँ खाना भी नहीं खाएंगे। तो वही यही भी होता है ना कि जो रेंज से बाहर, अब जो रेंज से बाहर है बच्चा जाने जा, आप इसको उठा के कहाँ लाएंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, रेंज में लाएंगे। तो जब उठा के लाने में जो वर्क किया जाता है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको डेफिनेशन लिखने नीड है, तो आप डेफिनेशन लिखिए बच्चा, लिखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल एजेंट इन द फॉर्मिंग द सिस्टम बाय ब्रिंगिंग द ईच कंस्टिट्यूंट CONSTITUENT कंस्टिट्यूंट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट। अब क्या लेगा अच्छा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो बच्चा ध्यान दीजिएगा, ए पॉइंट पे निकालना है वर्क, और कहाँ निकालना है? बी पॉइंट निकालना है। ए पॉइंट चार्ज कितना है? क्यू है, और बी पॉइंट कितना है बच्चा? क्यू नॉट। बस में तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट जो पोटेंशियल होता है 1/4π
एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्यू बाय आर स्क्वायर ध्यान दीजिएगा, क्यू बाय सॉरी आर क्या होता है, क्यू बाय आर होता है, कितना होता है क्यू बाय आर। तो इससे यदि हम वर्क फाइंड आउट करेंगे तो और हम भी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज बी, तो बी इक्वल क्या था डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट था, क्या था डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट था, ठीक है ना। तो व्हाट इज डब्ल्यू, बी इंटू क्यू नॉट, डब्ल्यू इक्वल कितना आएगा बच्चा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यही जो वर्क है इसी को एनर्जी बोलते, इसे क्या बोलते हैं एनर्जी, इसी वर्क क्या बोलेंगे एनर्जी। इसमें लैंग्वेज क्या लिखेंगे, लेटेस्ट कंसीडर, पहले समझिएगा लैंग्वेज लिखना नहीं समझना है, लेटेस्ट कंसीडर टू पॉइंट चार्ज क्यू एंड क्यू नॉट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ आर ईच अदर, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ आर ईच अदर, देन बिलो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर, और व्हाट इज वर्क, वर्क इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, नाउ वर्क इक्वल बी इनटू क्यू नॉट, तो व्हाट इज वर्क, वर्क इक्वल वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ थिंक करने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक एनर्जी फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू सिस्टम्स टू पॉइंट ऑफ चार्ज, एक पॉइंट चार्ज क्यू है एंड सेकेंड पॉइंट चार्ज कितना है क्यू नॉट है। यदि हम इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे एनर्जी फाइंड करेंगे, जब ए पॉइंट पे एनर्जी फाइंड करेंगे डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए फाइंड करेंगे, आप खुद ही सोच के बताइएगा डब्ल्यू ए पे डिस्टेंस सेकेंड चार्ज की क्या होगी, जीरो होगी कितनी होगी, नहीं उसी पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, जब डिस्टेंस जीरो होगी क्या, डिस्टेंस जीरो होगी तो वर्क कितना होगा बच्चा, वर्क भी क्या जाएगा जीरो, डब्ल्यू के वर्क कितना जाएगा जीरो। अब डब्ल्यू बी की बात करेंगे, और जब डब्ल्यू बी की बात करेंगे तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना डब्ल्यू पी की बात कर लेते हैं, डब्ल्यू पी पी की जगह पी लिख दिया था हमने, तो डब्ल्यू पी की बात करते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस कितना है तो आर है, क्या है आर है, तो ये जो एनर्जी हम लोगों ने फाइंड करी है इसी को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, क्या डब्ल्यू पी इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। किसी किसी बुक में आपको ये लिखा मिल जाएगा क्यू अपॉन सॉरी आर है आर स्क्वायर का मिल जाएगा, यहाँ पर भी आ रहा है गलती से आर स्क्वायर लिखे बैठे हैं, क्यू अपॉन आर से आएगा क्यू बाई आर, जल्दी हो गई बता क्या प्रॉब्लम, ठीक है ना। डब्ल्यू पी पी पॉइंट पे, अब किसी किसी बुक में क्यू नॉट लिखे वो क्यू टू से पोस्ट कर लिए और यहाँ किसी जगह क्यू वन से पोस्ट किए, तो क्या लिखा हुआ डब्ल्यू इक्वल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, क्या आएगा डब्ल्यू इक्वल टू क्यू टू अपॉन आर। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी है किसके किसके कारण है, किसके कारण है पोटेंशियल के कारण है, ये पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण है पोटेंशियल के कारण है, ठीक है ना। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दो चार्जों के बीच रहेगी और ड्यू टू टू चार्ज के लिए होगी, किसके लिए होगी दो चार्ज के लिए, ठीक है ना, एनर्जी और टू चार्ज, बोले कोई प्रॉब्लम तो लैंग्वेज लिख लीजिएगा। अच्छी बात है सर बच्चा, ये जो वर्क निकला इसी वर्क क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोलते हैं, तो लिख लीजिएगा दिस वर्क, दिस वर्क इज कॉल्ड, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाय यू, इससे यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन अनंत का मतलब एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जो हम सब बोल रहे हैं, ठीक है ना। देखो अभी जब लिख रहे थे तो आपको इसमें स्क्रीन पर नहीं आ रहा था, आप देख लीजिए बी इक्वल टू पॉइंट क्यू नॉट, डब्ल्यू इक्वल टू बी पॉइंट क्यू नॉट, बी इंटू क्यू नॉट, तो डब्ल्यू इक्वल टू बी की वैल्यू टाइप कर दी यहाँ से साफ हो गया, ठीक है ना। आप देखते आगे आप अच्छा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ थ्री पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ थ्री पॉइंट चार्ज, आप करते हैं
चेंजेस है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यू टू थ्री पॉइंट चार्ज, किसके लिए? थ्री पॉइंट चार्ज। और थ्री पॉइंट चार्ज ट्रायंगल पर रखते हैं, सपोज कर क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, ये ए बी सी डिस्टेंस आर वन आर टू आर थ्री, क्या डिस्टेंस सपोज किए आर वन आर टू आर थ्री, फटाफट बनाइए। अच्छा ध्यान देना, देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है पर सिस्टम ड्यू टू थ्री पॉइंट चार्ज। बेटा इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं वहाँ पे सब गड़बड़ कर गया होगा। ये क्यू वन है, दूसरा क्यू टू है, तीसरा क्यू थ्री चार्ज। अब आपको ये दिया जाएगा, किसी एक पॉइंट दिया जाएगा, कोई निश्चित किया जाएगा कि किस पॉइंट से आपको एनर्जी फाइंड करनी है, या डायरेक्ट फाइंड करनी हो अपने आप किसी एक पॉइंट ले लें कि हमें क्यू वन पर एनर्जी फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है। अब यहाँ पर तो वर्क कितना होगा क्यू वन पे, वर्क देखो एनर्जी को यू से डिनोट करेंगे, टोटल वर्क एनर्जी कितनी होगी, डब्लू वन प्लस डब्लू टू प्लस डब्लू थ्री, टोटल एनर्जी ये होगी। तो डब्लू वन क्या होगा, वर्क एट पॉइंट पॉइंट ए। अब क्यू वन यहीं पे आपको वर्क निकालना है, इससे एनर्जी निकालनी है। अब जो बैठा है और फिजिक्स क्या हो जाती है कि जब आप भिड़ोगे डुलोगे नहीं तो वर्क क्या होगा, जीरो, क्या होगा बोलो, जीरो। तो डब्लू वन क्या होगा, जीरो, ठीक है ना। अब एक डब्लू टू पर फाइंड करें, कितना पर फाइंड करेंगे, डब्लू टू, और डब्लू पर डब्लू टू पे यानी कि क्यू टू पर, यानी कि इस क्यू टू को तो चाहे किसी इनफाइनाइट से लाए होगा, क्यू टू रखा होगा इनफाइनाइट से ला के क्या रखे, क्यू टू बी पॉइंट रखे क्यू टू, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, क्यू टू को उठा के लाए और कहाँ से लेके आए, बी बी पे रखे हो, कहाँ उठा के लाए, बी इनफाइनाइट से, कहाँ उठा के लाए हो, बी इनफाइनाइट से। ये पोटेंशियल डिफरेंस को ऊपर पढ़ा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बी ए बी कल जा दीजिए, जब चाह क्या पढ़े डब्लू वन क्यू और बी ए बी, मतलब क्या हुआ कि डब्लू क्या हुआ, डब्लू बी ए माइनस डब्लू बी 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 ए माइनस बी बी इक्वल डब्लू वन क्यू, यही जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, कहाँ उठा के लाए, इनफाइनाइट से, कहाँ रखा, बी पॉइंट पे, कहाँ रखा, बी पॉइंट पे। तो आपको क्या मिला, आपको पोटेंशियल मिला, और बी इक्वल क्या होता है, बी इक्वल डब्लू वन क्यू, तो डब्लू इक्वल टू क्या आएगा, क्यू वाई, क्या आएगा, क्यू बी, कितना आएगा, क्यू बी। तो इनफाइनाइट देखिए समझिएगा, डब्लू टू इज इक्वल टू क्यू टू इंटू बी, ठीक है ना। और b का मान आपको पहले से याद है कितना, वन अपन, तो पहले q नॉट q टू लिख दिया, वन अपन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और q वन क्या लेंगे, q वन, और q वन डिस्टेंस दिखती है r वन स्क्वायर, कितना बच्चा r वन स्क्वायर, बस ठीक है ना, सॉरी r वन, कितना r वन स्क्वायर, ठीक है ना r वन। तो ये हमारा आ गया डब्लू टू, डब्लू टू को हम लिख सकते हैं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन अपॉन क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन, आर वन अपॉन क्या लेंगे, आर वन लेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इतना क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बात समझ में आई, नोट करी तब नंबर नोट करी चेस्ट मिस्टर। देखेंगे अब हम Q3 पे वर्क निकालेंगे, इसमें निकालेंगे Q3 पे। अब Q3 के पास दो समस्या है, एक B है और एक क्या है, A है। तो Q3 के लिए W3 के लिए एक पहले Q3 निकाला, क्या निकाला, Q3 फर्स्ट रीजन, क्या निकाला, Q3, और क्या आएगा बी सी, तो क्या रहेगा B इनफाइनाइट, क्या रहेगा इनफाइनाइट। तो ये फर्स्ट कंडीशन की, ये थर्ड क्वेश्चन जो होगी, चलिए लिख देंगे इसे डब्लू डैश लिख दे रहे हैं, डब्लू डैश थ्री का
Q3 और BC बैलेंस। देखो यहाँ के दे रहे तो BC वैल्यू क्या आएगी, 1/4πε0Q2 कितना, Q2 अपान कितना R2 कितना रहेगा R2, तो W3 डैश कितना है 1/4πε0Q2Q3/R2 कितना R2। क्वेश्चन नंबर थर्ड ए, कौन सा थर्ड, अच्छा दूसरा W3 डैश निकालें तो ये नहीं हो सकता क्या, ध्यान दीजिएगा डबल डैश Q3 और इसके लिए निकाल तो लिखेंगे यही Q3 और BC to be infinite, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा W3 डैश डबल डैश इक्वल 1/4πε0 और Q1 Q3 कर लेंगे Q3 अपान क्या रहेगा R3। क्वेश्चन नंबर थर्ड बी, ठीक है ना, तो टोटल W3 निकाल लो। देखो W1 हम यहाँ लिख दे रहे हैं, W1 हमारा कितना आया था, W1 जीरो आया था, कितना आया था जीरो आया, ठीक है ना, तो इतना हम रफ कर लेंगे ऊपर का इतना रफ कर लिया, इतना ऊपर का रफ कर लिया, इतने में हमारा काम हो जाए। अब कह रहे कि टोटल W3 की बात करेंगे, कितना है 1W3 डैश प्लस W3 डबल डैश, तो W3 इक्वल 1/4πε0 W3 की डैश पहले कितनी Q2 कितनी बच्चा Q3 upon R2 प्लस W3 वैल्यू 1/4πε0Q1Q3 अपान कितना R3, दोनों को ऐड कर दिया तो W3 आया 1/4πε0 गामा ले लिया, लिखा है मैंने इसको देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड। अब पोटेंशियल एनर्जी निकाला U, क्या टोटल पोटेंशियल एनर्जी W1 + W2 + W3 U इक्वल W1 की वैल्यू 0, W2 की वैल्यू 1/4πε0, ठीक है ना, और Q1 Q2 upon R1